नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे रमेश गेरा जी से, जो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। कई बड़ी बड़ी कंपनियों, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्होंने जॉब की और रिटायरमेंट के बाद यह लोगों को खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं, खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनमें से बेहद खास है सेफ्रॉन की खेती। जी हाँ, केसर की खेती, जिसको आप एक छोटे से कमरे में कर सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। इसको लेकर रमेश गेरा जी पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे थे और अब लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई लोग इनसे ट्रेनिंग कर अपना कॉमर्शियल साइट चला रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं रमेश जी से, किस तरह से सेफ्रॉन की खेती होती है, किस तरह की रिसर्च इनके द्वारा की गई है और कैसे ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है हमारा हमारे वीडियो में आपका। सर जिस तरह से आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब की और अब रिटायरमेंट के बाद आप खेती के उसमें आए हैं, कैसे रहा कि खेती के उसमें आना है? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर से लोग अपने ही प्रोफेशन में जाते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो कैसे खेती की तरफ आपका रुझान रहा सर? क्या है कि मेरे पिताजी भी एक फार्मर रहे हैं, मेरे फादर भी एक फार्मर रहे हैं और हमारी हिसार के पास एक विलेज में ज़मीन थी, तो वहाँ वो खेती करते थे। लेकिन जनरली मैं ये देखता था, जो मेरे सुनने में आता था, एक बहुत अच्छी 20 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी वहाँ से इतनी आमदन नहीं होती थी कि परिवार का गुजारा भी चल सके, ऐसा मैंने महसूस किया। तो क्योंकि उस समय में हमारा कृषि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, तो किसान लोग जो है उसमें से इतना आमदन नहीं ले पाते थे कि घर को बड़े अच्छे तरीके से चला सके। तभी से मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि कोई आधुनिक तरीके निकाले जाएं खेती के, या मैं अगर अपनी तरफ से कोई योगदान कर सकूं तो इसको, इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, कम लेबर लगे, पैसा कम खर्च हो। तो उसका मेरे शुरू से ही मेरा एक ड्रीम रहा है। और मैं क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी, बाद में मैंने कुछ और भी एजुकेशन ऐड की, MBA वगैरह भी किया, 35 साल कॉरपोरेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब में रहा हूँ। और किस्मत से मुझे अपने जॉब में रहते हुए बाहर देशों में बहुत घूमने का मौका मिला, जिसमें जापान, कोरिया, ताइवान, लीबिया, नाइजीरिया, कुछ यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो किस एक मेरा किस्मत रही कि 2002 में मैं साउथ कोरिया में था, वहाँ मुझे सहयोग से एडवांस फार्मिंग देखने को मिल गई। तो मुझे लगा कि एक माइंड में एक ड्रीम था, शायद यहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कोरियन कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि ये एडवांस फार्मिंग छुट्टी के दिन मेरे को ये सब सीखने को दिया जाए या शाम 5 बजे के बाद, तो उन्होंने एग्री कर लिया। फिर मैं वहाँ पर 6 महीने था, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा सीखा और फिर मैं इंडिया वापस आया। तभी से ही मेरे दिल में इतनी एक्साइटमेंट थी कि नई टेक्निक को पहले तो मैं खुद डिवेलप करूँगा, डिवेलप करके मैं इनको स्प्रेड करूँगा, लोगों को सिखाऊँगा। तो जैसे वापस आया तो नौकरी का बहुत प्रेशर था, तो ज़्यादा तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन 2017 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था। तो रिटायरमेंट जैसे ही हुआ तो मैं फुल टाइम यही सब करने लगा था। तो मेरे कई सब्जेक्ट हैं ट्रेनिंग के, उसमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, माइक्रोग्रीन्स है, मल्टी लेवल ऑर्गेनिक फार्मिंग है और सेफ्रॉन कल्टीवेशन भी एक है। तो हम जो आपको आप बात करेंगे तो हम इनडोर सेफ्रॉन कल्टीवेशन के ही बारे में बात करेंगे, हालांकि मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। ये जो इंडोर सेफ्रॉन कल्टीवेशन पहली बार देखने को तो मुझे कोरिया में मिली थी, लेकिन 2017 से मैंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिए थे। एक्सपेरिमेंटेशन जब मैंने शुरू किए तो पहले 2 साल पूरी तरह से फेल हुए, मेरे सफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कई बार एक्सपेरिमेंटल सामान उठाकर फेंक दिया, लेकिन अगले दिन सुबह फिर उठा लाया, नहीं नहीं हम आगे बढ़ेंगे। सफलता नहीं मिली, फिर मैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कश्मीर में, श्रीनगर में, तो वहाँ गया, तो उनसे सपोर्ट लिया, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐसे तो कोई देता नहीं है, वो भी सभी उनकी अपनी एक यूनिक प्रोड्यूस है, उनकी एक नॉलेज है, तो ऐसे किसी को लुटाते नहीं है वो। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट करने के बाद मुझे उनको मिलने का सहयोग मिला। तो मैंने उनको अपना ड्रीम बताया, अपनी बैकग्राउंड बताई कि मैं क्या चाहता हूँ, एक नया कंसेप्ट लाना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में उसको स्प्रेड करूँगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस की और साथ में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिर उन्होंने एग्री किया, फिर मुझे उनको काफ़ी फीस भी देने पड़ी और उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे को सफलता भी मिलने लगी। जैसे जैसे सपोर्ट मिलने लगा, पिछले 3 साल से मैं काफ़ी सफलतापूर्वक इसको मैं कर रहा हूँ। और अगर इसको कैसे हम कर रहे हैं,
मतलब अगर सॉयल में, मिट्टी में अगर कहीं पर भी सैफ्रन ग्रो होता है तो वो सिर्फ कश्मीर में होता है, हिंदुस्तान में कश्मीर के बाहर कहीं भी नहीं होता, क्योंकि कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है। तो हम अभी नोएडा में भी कर रहे हैं कश्मीर के बाहर, और हम इसको धीरे धीरे स्प्रेड भी कर रहे हैं। तो जो नई टेक्निक है, हम उसको बंद कमरे के अंदर, जिसको हम इंडोर सैफ्रन कल्टीवेशन बोलते हैं, टेक्निक का नाम है एरोपोनिक। उसमें क्या है कि एक बंद कमरे में कश्मीर का क्लाइमेट रेप्लिकेट किया जाता है, मतलब कश्मीर का क्लाइमेट का हम नकल करते हैं। वो आर्टिफिशियली किया जाता है, काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं उसमें। तो उसमें पैरामीटर्स हैं, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, एक लाइट और एक एयर फ्लो, ये चार पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल कश्मीर में जहाँ पर ये सैफ्रन होता है वहाँ की जो वैल्यू है वही की वैल्यू आर्टिफिशियली हमें बंद कमरे में क्रिएट करनी होती है। उसके बाद ये जो सैफ्रन के बल्ब हैं या बीज जिसको हम बोलते हैं, वो कश्मीर से ही खरीदे जाते हैं। तो ये जो बंद कमरा, हम जिनका टेक्निकल नाम है ग्रीन हाउस, उस ग्रीन हाउस में हम इनको बल्ब को रखते हैं। उसके बाद हम ये आर्टिफिशियली क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी प्रोड्यूस आती है उसमें, और जो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और यील्ड जिसे हम उत्पादकता वो भी बहुत अच्छी मिलती है। और हमने जो सैंपल हमने ग्रो किए वो वापस कश्मीर भी भेजे, वहाँ से अप्रूव होकर भी आए हैं, और वो जो टैग हमें जो मिला वो 100% प्योर सैफ्रन, जो मोगरा होता है कश्मीर का ब्रांड, उसी के बराबर हमें इसको सर्टिफाई करके मेरे पास वापस आए हैं वो। आपने बताया कि जो केसर की खेती होती है वो सिर्फ कश्मीर में ही होती है, और उसको आपने इतना एडवांस कर दिया कि अब नोएडा और जहाँ जहाँ आपने ट्रेनिंग दी है वहाँ वहाँ लोग उसको कर रहे हैं। तो कितना समय लगता है, क्योंकि जो जो प्राकृतिक तौर पर केसर उगाया जाता है और जो आर्टिफिशियल तौर पर, तो दोनों के समय में कितना अंतर होता है, कितना समय में क्या कहते हैं खेती पूरी होती है? एक्चुअली ये जो इसका जो केसर का जो सैफ्रन का जो साइकिल है वो कंप्लीट 1 ईयर का होता है, चाहे वो हम उसको नेचुरल तरीके से जो सॉयल में कश्मीर में होता है या हम आर्टिफिशियली करें, वो साइकिल इसका 1 ईयर का होता है। ये 1 ईयर का साइकिल यहाँ भी हमें मीट करना होता है। पहले मैं आपको साइकिल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हमारा जो इंडोर करते हैं इसकी क्वालिटी और उत्पादकता वो कंपेरिजन में कहाँ फाल करती है। जो एक साल का जो साइकिल है ये शुरू होता है हमारा अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले हफ्ते में। तो पहले 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम बल्ब को ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं और क्लाइमेट हम वो देते हैं जो कश्मीर का है। और अगस्त के बाद जैसे कश्मीर में भी मौसम बदलता चला जाता है, बिल्कुल वैसा का वैसा बदलाव हम बंद कमरे के अंदर भी क्रिएट करते हैं। जो वहाँ पर कश्मीर में क्लाइमेट है हम नेट वगैरह से देखते हैं और वही का वही हमें यहाँ क्रिएट करना होता है, वीकली बेसिस पर बदलाव करते रहते हैं। अच्छा, तो ये 4 महीने में ग्रीन हाउस में रखा जाता है, 4th महीने में इसमें फ्लावर आते हैं, उसमें से केसर भी होता है। तो 4th महीने में फ्लावर भी हार्वेस्ट किए जाते हैं, फ्लावर में से केसर निकाला जाता है। ये 4 महीने का इसका ग्रोइंग स्टेज है, जिसको हम स्टेज 1 कह सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 में एंटर करते हैं। वो स्टेज 1 जो है नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाती है, नवंबर के महीने में उसमें से फूल और केसर निकाला जाता है। उसके बाद जो बल्ब हमने ग्रीन हाउस में रखे वो फ्री हो जाते हैं, स्पेयर हो जाते हैं। उनको ग्रीन हाउस से निकाल करके उसको सॉयल में डाला जाता है, मतलब ग्रीन हाउस से बाहर। वो सॉयल अगर हमारे पास भूमि है तो हम उसमें भी डाल सकते हैं, अगर ज़मीन नहीं है तो हम ग्रो बैग का इस्तेमाल करके छत के ऊपर भी कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। मेरे पास भी ज़मीन नहीं है तो छत के ऊपर ग्रो बैग में वो मिक्सचर बना करके सॉयल का जो इसको चाहिए उसमें हम बल्ब डालते हैं। तो अगले 8 महीने उनको सॉयल में रखना होता। तो ये जो 8 महीने का साइकिल है इसमें वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये स्टेज 2 है, स्टेज 1 थी ग्रोइंग की, स्टेज 2 है रीजनरेशन मीन सीड मल्टीप्लीकेशन। अगले 8 महीने सॉयल में रहते हैं और 8वां महीना आते आते एक सीड के साथ कई मल्टीपल सीड निकल आते हैं, और वो साइकिल वही जून जुलाई तक चलता है, फिर अगस्त से वही साइकिल दोबारा आ जाता है। तो ये पूरा 1 साल का साइकिल, चाहे हम सॉयल में ओपन क्लाइमेट में कश्मीर में करें या बंद कमरे में करें, ये साइकिल तो हमें मीट करना ही होता है। और ये जो मंथ है ये भी बिल्कुल डिफाइंड है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर हम वहाँ ज़मीन में करते हैं और यहाँ आर्टिफिशियली करते हैं तो उत्पादकता और क्वालिटी, मतलब यील्ड और क्वालिटी में क्या कंपेरिजन है वहाँ और यहाँ। तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, हमारा यील्ड वहाँ से कहीं बेहतर होता है, क्वालिटी एट पार विद द बेस्ट ऑफ द कश्मीर। उसके क्या कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा।
जो ओपन क्लाइमेट में कश्मीर में केसर होता है, वहाँ पर क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। कभी धूप बहुत तेज़ निकल गई तो अगले दिन बरसात हो रही है, तो अगले दिन धुंध पड़ गई है, तो वो लेकिन हमारा जो बंद कमरे में होता है वो ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं होती। और जो हम क्लाइमेट क्रिएट करते हैं उसके पैरामीटर जो बेस्ट सूटेबल है क्रॉप के लिए, वो हम एडजस्ट करते हैं आर्टिफिशियली, उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं हम। तो पहली बात तो हमारे बंद कमरे में क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि ओपन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती हैं जो कि क्रॉप को डैमेज करती हैं। दूसरा, जो ओपन क्लाइमेट में जो कि कश्मीर में खेती होती है वहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारे बंद कमरे में पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, पोल्यूशन फ्री होता है। तीसरा, जो कश्मीर में जो नेचुरल तरीके से सॉयल के अंदर होती है खेती, तो सॉयल में बहुत सारे एलिमेंट वो होते हैं जो पौधों के मतलब के होते हैं, बहुत सारे वो भी होते हैं जो पौधों के मतलब के नहीं होते, वो ज़बरदस्ती पौधों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उससे पौधों में डाइजीज ट्रांसमिट होती है सॉयल से। तो हमारी जो ये टेक्निक है सॉयल लेस है, सॉयल लेस है तो इस वजह से सॉयल से जो डाइजीज ट्रांसमिट होती है वो फैक्टर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा जो ज़मीन में खेत में ओपन एनवायरनमेंट में तरह तरह की फर्टिलाइज़र डाली जाती हैं, कई बार कीड़े मारने की दवा, तो कई बार कुछ बीमारी लग गई पौधों को तो उसके छिड़काव वगैरह करने होते हैं, जबकि बंद कमरे में क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है इस वजह से कोई बीमारी नहीं लगती, ये टोटली डाइजीज फ्री होता। अगर डाइजीज नहीं है तो हमारे को ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो हमारे को किसी तरह की केमिकल की डालने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ये टेक्निक टोटली केमिकल फ्री है। ये जितने फैक्टर आपको बताए उनको दिमाग में रखते हुए जो हमारा यील्ड आता है केसर का वो वहाँ से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। और तीसरा, जो सॉयल में खेती होती है वो सिंगल लेवल सरफेस लेवल पर होती है, हमारी ये मल्टी लेवल होती है, हम 4 लेवल से लेकर 6-7 लेवल तक वर्टिकली अप जा सकते हैं। इस तरह जो ज़मीन की इसमें रिक्वायरमेंट है वो घट करके छठा, अगर हम 6 लेवल वर्टिकल अप जाते हैं तो 6 टाइम लेस स्पेस हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से दूसरा, जो क्वालिटी आती है वो बिल्कुल, जो मोगरा कश्मीर का मोगरा ब्रांड है जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, इस वजह से जो क्वालिटी आती है वो एट पार विद द बेस्ट ऑफ मोगरा ऑफ कश्मीर, ये बिल्कुल प्रूवन है। मैंने अपने भी सैंपल जितने प्रोड्यूस किए कश्मीर भेजे, वहाँ शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक इंटरनेशनल सैफ्रॉन ट्रेडिंग सेंटर भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, तो उनकी लैब वगैरह वहाँ से मैंने टेस्ट कराए, टेस्ट होकर मेरे पास वापस भी आए हैं और वो एट पार विद द बेस्ट ऑफ मोगरा मेरे को सर्टिफाई करके उन्होंने भेजा है। आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे सैफ्रॉन की खेती एडवांस लेवल में की जा सकती है, अगर बात करें अगर कोई इस तरह की खेती करना चाहता है तो मिनिमम कितना एरिया उसको लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट उसको लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा सा एक संक्षेप में बताइए। तो ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम इसमें जो बीज लेकर आते हैं वो तो कश्मीर से ही लाते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट हम क्रिएट करते हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट करना होता, तो आर्टिफिशियली क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए हमारे को सामान की तो जरूरत होती है। तो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं जो हमारे को अंदर मेंटेन करने होते हैं। पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर बंद कमरे में करना होता है एज लो एज 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कश्मीर में होता। दूसरा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है वो कश्मीर में बहुत हाई लेवल की होती है, 80-90% रहती है, क्योंकि वहाँ पर सन सूरज बहुत कम निकलता है, क्लाउडी रहता है, स्नोफॉल होता है, तो वो जो ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट 85-90% होती है कश्मीर में, तो वही 85-90% हमें बंद कमरे में भी क्रिएट करनी होती है। तीसरा है लाइट, क्योंकि वहाँ पर भी कश्मीर में भी सन इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, लाइट बहुत कम रहती है, तो वही कम लाइट ही हमें बंद कमरे के अंदर क्रिएट करनी होती है। टेक्निकली बात करें तो वो 200 से लेकर 600 लक्स तक की लाइट होती है जो कि बहुत ही कम मात्रा की होती है, वो क्रिएट करनी होती है। इसके अलावा इसमें हवा का एयर फ्लो, हवा बहती रहनी चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन वगैरह भी लगते हैं जो कमरे में एयर फ्लो बनाए रखते हैं। तो ये जैसे मैंने 4 पैरामीटर आपको बताया, ये पैरामीटर आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए इसमें इक्विपमेंट लगता है। इक्विपमेंट क्या क्या लगता है, जैसे चिलिंग डिवाइस है, चिलिंग डिवाइस वो तो टेम्परेचर को नीचे लेकर आती है, ह्यूमिडिफायर है वो ह्यूमिडिटी को काफ़ी ऊपर करता है, लाइट कंट्रोल हम रेगुलेटर से
करते हैं कम ज़्यादा लाइट। इसके अलावा एयर फ्लो के लिए चिलिंग डिवाइस के अंदर ही कुछ फ़ैन लगाए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल एयर फ्लो उसमें कमरे के अंदर बना कर रखते हैं। ये जो अगर हम बात करें साइज़ की कि कितने साइज़ के कमरे में शुरू करना चाहिए, तो बेसिकली या प्रॉफिटेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो पहली बात तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस उसके अंदर बिजनेस का स्केल मैटर करता है। हम बिजनेस को छोटे स्केल पर करें, मीडियम कप पर करें, बड़े पर या बहुत बड़े पर, तो ये तो निर्भर करता है आदमी की किसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। लेकिन हम क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही नया है हिंदुस्तान में, तो हमारे साथ कई लोग जुड़ते हैं, कई ट्रेनिंग लेने की भी आते हैं, तो हम उनको एक चीज़ हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि यह नया कंसेप्ट है तो इसको छोटे से शुरू करो, एक साल पूरा इसका लर्निंग साइकिल है, उसको सीख लो, उसके बाद आप 10 गुना बड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो सबसे छोटा साइज़ है वो होता है 100 स्क्वायर फीट साइज़ का कमरा। जैसे बड़े बड़े शहरों में बेडरूम बहुत छोटे होते हैं, 10x12 या 10x10 के ये साइज़ के बेडरूम होते हैं, तो हम हर किसी को यही सजेस्ट करते हैं एक छोटा बेडरूम एक खाली करो, या छत के ऊपर नया कमरा बनाना है वो बनाओ, या जगह खाली है तो ये जो 100 स्क्वायर फीट का कमरा है इसमें करीब करीब टोटल 6-7 लाख का खर्चा आता है। तो ये जो इक्विपमेंट मैंने बताया वो सभी लगते हैं, इसके अलावा स्लॉटेड एंगल के रैक भी लगते हैं जैसे जनरल स्टोर के ऊपर होते हैं, उन रैक्स के ऊपर मल्टी लेवल होते हैं, उन रैक्स में लकड़ी की ट्रे डाली जाती है, उन ट्रे के ऊपर बल्ब रखते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल लगाया है, इसके अलावा जो कमरा बनता है उसमें चारों तरफ दीवारों पर, छत पर, फर्श पर बहुत ही हाई लेवल की इंसुलेशन भी लगती है जिसको पफ पैनलिंग बोलते हैं। पफ का मतलब है पॉली यूरिथीन फोम। तो इंसुलेशन लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि अंदर तो हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा लेकिन बाहर बहुत गर्म हो सकता, तो हीट लॉस नहीं होना चाहिए, अंदर से बाहर ठंडक नहीं जानी चाहिए, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आनी चाहिए, तो इंसुलेशन भी लगता है दीवारों पर भी, छत पर भी, खिड़कियों पर भी। तो ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर 100 स्क्वायर फीट के कमरे में करीब करीब 6-7 लाख का खर्चा आता है, जिसमें पहले साल के बीज भी इंक्लूडेड है। पहले साल का इसमें 2-2.5 लाख के बीज हैं जो कि बल्ब जो सैफ्रॉन के वो कश्मीर से ही मंगाए जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट करीब करीब 3.5-4 लाख है, 1.5-2 लाख, 2.5 लाख के सीड आते हैं। सीड का रेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, नेगोशिएशन भी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो 100 स्क्वायर फीट का कमरा है ये एक मिनिमम साइज़ है। मिनिमम साइज़ का क्या मतलब है कि जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेक इवन, अगर हम इससे छोटे साइज़ पे जाएंगे तो हमारे को नुकसान होगा, फायदा होगा। लेकिन 100 स्क्वायर फीट का कमरा वो है जिसपे हमें ब्रेक इवन मिलेगा, ब्रेक इवन में नो लॉस नो प्रॉफिट। तो एक साल के लिए ये छोटे साइज़ के कमरे में करना एडवाइजेबल है कि हम इसको सीख लें, पूरा एक्सपीरियंस कर लें एक साल का, अगले साल भले ही हम 200 स्क्वायर फीट का हॉल ले लें या 400 का या 1000-2000 का, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े साइज़ की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ती है, और दूसरा जो प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है। जैसे 100 स्क्वायर फीट में 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 200 स्क्वायर फीट में एकदम डबल नहीं हो जाएगी, करीब करीब 1.5 गुना रहती है। तो जैसे जैसे बड़े साइज़ पर जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और ये जो दूसरा एक और भी चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो केसर का बिजनेस है अपने आप में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म बिजनेस मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम केसर का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि केसर लाखों रुपया किलो बिकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, 2.5 लाख से 3, 3.5 लाख, 6 लाख रुपया पर केजी तक बिकता है। तो उससे लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि केसर का बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले साल लखपति हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पहला साल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेक इवन मिल जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट, इट इज़ गुड एनफ, और दूसरे साल से प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, 3-4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये बिजनेस उसी को करना चाहिए जो ये जिसमें ये पेशेंस है कि 2 साल के बाद ये काफ़ी अच्छा चलेगा, पहले दूसरे साल सीखने के लिए अगर ऐसा माइंड में कोई रख के करना चाहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं केसर करने जा रहा हूँ, पहले साल मैं लखपति हो जाऊँगा, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। जैसे आपने बताया कि एक स्मॉल जगह पर किस तरह से बनाया जा सकता है, तो अगर इसके लार्ज स्केल की बात करें तो लार्ज स्केल में कितना खर्चा आता है, और अगर लार्ज स्केल में कोई अपना ये काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो कितना मुनाफा उसको हो सकता है? तो अभी जो मैंने आपको अब तक जो बताया तो मैंने स्मॉल स्केल में बताया, 100 स्क्वायर फीट के कमरे में।
100 स्क्वायर फीट का कमरा एक वो साइज है जो आपके लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, वो एक लैब आप कह सकते हो, लेकिन वो कमर्शियल अर्निंग, हम जिसको बिजनेस कहें, उस लायक वो साइज नहीं है। अगर आप किसी को इसे कमर्शियल बिजनेस करना, इसको सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना है, तो उसको अगले बड़े साइज पर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट साइज जो होता है 200 स्क्वायर फीट का कमरा, जो कि उससे 100 स्क्वायर से डबल हो जाता है। अगर हम 200 स्क्वायर फीट का कमरा हम लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट डबल नहीं हो जाती। जैसे मैंने पहले बताया था 100 स्क्वायर फीट में 6 से 7 लाख आता है, तो 200 स्क्वायर फीट में 12 से 14 लाख नहीं बल्कि 9 लाख के आसपास मैनेज हो जाता है। तो ये जितनी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल कम आती है वो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होती है। तो 200 स्क्वायर फीट के कमरे में हम 7 से 8 लाख साल भर में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हम अगर उससे भी बड़े में जाएं, जैसे 400 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम बड़ा हॉल लें, तो एक रियल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है। तो उसमें प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट उतने गुना नहीं बढ़ती जितना हम एरिया बड़ा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो मल्टीप्लाई होती है। अगर हम कमरा 100 स्क्वायर फीट का 400 स्क्वायर फीट कर देंगे तो प्रोड्यूस 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करीब करीब 2.5 गुना हो जाएगी। तो बाकी जितना इन्वेस्टमेंट में सेव किया वो सारा का सारा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता। तो अगर हम 400 स्क्वायर फीट के कमरे को हम एक बिजनेस उसमें ग्रो करना चाहें तो करीब करीब हम 15-16 लाख या इससे भी ज़्यादा हम रिटर्न कमा सकते हैं इसमें साल का। जो आपने की ये तो बिजनेस की है, रिटर्न की है कि आपने प्रोडक्शन किया, और मेन चीज़ क्या होती है कि कोई चीज़ का आप प्रोडक्शन कर लो, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, उसको मार्केट में बेचने की बात होती है। क्योंकि कई सारी चीज़ें तब फेल हो जाती हैं कि जब वो अपने माल को सही तरीके से नहीं बेच सकते। तो जिस तरह से जो आप ट्रेनिंग देते हैं, जो छात्र आते हैं या किसान आते हैं, तो उनको जिस तरह से सिखाया जाता है कि आप कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए या उसको बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को, वो किस तरह से आप बताते हैं? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का इंजन क्या है? इंजन तो मार्केट है। मार्केट होगा तो बिजनेस चलेगा। आप कितना अच्छा ग्रो कर लो, कितना प्रोड्यूस, कितनी क्वालिटी, अगर मार्केट नहीं है तो सब बेकार है। तो यहाँ मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहूँगा कि केसर एक ऐसा प्रोड्यूस है जिसकी इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। क्या है कि हिंदुस्तान में जितनी भी डिमांड है, तो उस एक होती है डिमांड कि हिंदुस्तान में कितनी एनुअल कंजम्पशन है, एक ही सप्लाई। तो आज की तारीख में सप्लाई कश्मीर से होती है, डिमांड तो पूरे हिंदुस्तान में जो है। तो एक डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक गैप होता है, जो ये जिससे ये पता चलता है कि इसकी मार्केट कितनी है। इंडिया में जितनी डिमांड है आज की तारीख में, उसको जो सप्लाई हो रही है कश्मीर से, वो सिर्फ 30% है। मतलब कि 70% का इसमें गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। जो इंडिया में जो डिमांड है करीब करीब 21 मीट्रिक टन पर एनम की है केसर की, और ये डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है, दूसरा लोगों के पास अभी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती चली जा रही है, रिचनेस भी आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है। तो जैसे जैसे पैसा आ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है, तो ये जितनी भी ये हाई वैल्यू आइटम्स है, ये परचेजिंग पावर के बीच में आ रही है। तो ये इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज की तारीख में जो डिमांड है वो करीब 21 मीट्रिक टन पर एनम, एक साल में इतनी डिमांड है। जो सप्लाई होती है वो सिर्फ 30% है। सिर्फ 7 मीट्रिक टन, 7 टन पर एनम कश्मीर से सप्लाई होता है, जबकि डिमांड है करीब 21 मीट्रिक टन। जो बाकी जो टोटल 13-14 मीट्रिक टन का जो गैप है डिमांड और सप्लाई में, वो ईरान से इंपोर्ट होता है। इंडियन गवर्नमेंट ईरान से इंपोर्ट करके, ईरान जो है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफ्रॉन के केस में, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ईरान से इंपोर्ट करती है। तो ये जो अगर हम जो इंपोर्ट होता है, अगर उसी का सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में ही निकालेंगे, तो डेफिनेटली इंपोर्ट के कंपैरिजन में वो सस्ता ही पड़ेगा। अभी डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो गैप है, उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इतनी मार्केट के बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आता, हमने इतनी डिमांड भी है, मार्केट है, लेकिन बेचें कैसे, किसके पास जाएं इसको बेचने के लिए? तो अभी तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल ज़माना है, तो इसमें तो बहुत ही आसान हो गया है। जैसे आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर कोई भी इसको सक्सेसफुली प्रोड्यूस करता है और उसका एक यूट्यूब वीडियो बनाकर डाल देगा चैनल में, या इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कुछ फोटोग्राफ डाल देगा,
तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बायर आपको अपने आप ढूंढ लेंगे आपके घर पर। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत छोटे स्केल पे ग्रो करता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। मैं फार्मिंग और ये प्रोड्यूस सेल करना, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो मेरा छोटा सा फार्म है, उससे मैं जो प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं उसके प्रोड्यूस का कुछ वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल देता हूँ। पता नहीं कितने बायर मेरे घर तक आ जाते हैं, ट्रेडर तक घर आ जाते हैं, हाउस होल्ड घर आ जाते हैं कि आप केसर उगा रहे हो तो आप हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो इस तरह की मार्केट है बेसिकली। ये सेलर्स मार्केट है, ये बायर मार्केट नहीं है। ये मतलब सेलर के पास बायर खुद चल कर आते हैं यहाँ। तो इसमें अभी तो बेचना बहुत ही आसान हो गया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो तो आप किसी लेवल तक आप पहुंचा सकते हो, अपने प्रोड्यूस का नॉलेज भेज सकते हो, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट। अभी तो मार्केटिंग के लिए आपको पहले जैसे एडवर्टाइजमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिकली दिखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ट्रेडर्स हैं, जो होलसेल जो बाइंग करते हैं, आज की तारीख में या तो वो कश्मीर से ख़रीदते हैं या जो इम्पोर्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोड्यूस को हम यहीं पर ही प्रोड्यूस करें जहां वो कंज्यूम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, पैकिंग कॉस्ट बचेगी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बचेंगी, तो बड़े आराम से बिकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सभी कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जो हम यहां ग्रो, जैसे मान लो मैं नोएडा में हूं, नोएडा में मैं ये ग्रो करता हूं, नोएडा में ही आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे महर्षि आयुर्वेदा करके कंपनी है, उनकी चार फैक्ट्रियाँ हैं। वो केसर का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं, तो वो केसर कहाँ से लेते हैं, कश्मीर से ख़रीदते हैं, 10-11 केजी पर एनम। अगर मैं थोड़ा सा भी प्रोड्यूस करके उनके पास जाता हूँ तो वो बड़ी खुशी खुशी उसको ख़रीदते हैं। तो इस तरह से जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की कंपनियाँ हैं, ये लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं केसर के। दूसरे नंबर पर ये मिठाइयों में और कुल्फ़ी में, आइसक्रीम में, अपने का कस्टर्ड में इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो भी ये जो मिठाई बनाने की है, जैसे हल्दीराम है, इनके यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं इसकी, तो ऐसा कोई मार्केट की कोई कमी नहीं है। सेल करना इसको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। पूरा बताया कि किस तरह से इसकी खेती होती है, इसकी मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है। आप सर प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, बच्चों को जो छात्र हैं या जो किसान हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग आपके माध्यम से दी जाती है, कैसे अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपकी वेबसाइट या आपकी मेल आईडी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। क्या है कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, किसी कारण से ऑफलाइन मैंने बंद किए हुए हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी मैं कोई अलग से इसकी मार्केटिंग नहीं करता, अलग से कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट या बैनर छपवाना या ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं सोशल मीडिया में मेरा यूट्यूब चैनल है, बस उसके अंदर मैं कुछ चैनल वीडियोज़ बना करके डाल देता हूँ, और जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है तो अपने आप ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो मेरे को अप्रोच करते हैं। तो लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा अप्रोच करते हैं लोग कि मेरे लिए मुश्किल भी हो जाता है कि कैसे मैनेज करूं, क्योंकि नया सब्जेक्ट है और लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव है इसकी तरफ। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत ही साधारण है ये। और इसके अलावा जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, तो ये मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जूम के थ्रू मैं कंडक्ट करता हूं। पूरा हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट साउथ कहीं से भी, मतलब चाहे वो केरला है, आंध्रा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, कहाँ सिक्किम है, कहाँ त्रिपुरा है, वहाँ तक के लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, विदेशों से भी बहुत लोग जुड़ते हैं। जैसे अब तक जो मैं कवर कर चुका हूँ, मेरे से यूएसए से भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली है, कनाडा से, यूके से, यूएई से, अपना फिलीपाइन, ये अपना कीनिया क्या, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज से भी लोग मेरे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े हैं। और जैसे यूके यूएसए की बात करें, कनाडा की, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। मैंने देखा है कि रात रात भर लोग, मैं तो दिन में प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ रात रात भर लोग जाग करके मेरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और अगले दिन बहुत सारी मेरे पास अच्छी फीडबैक आती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें वो बताते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड था, बहुत ही नॉलेज इन्फॉर्मेटिव था, हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, हम अभी अपना करना चाहते हैं।
जब अपना करना चाहते तो मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम चलता है और जो भी कैंडिडेट मेरे साथ ट्रेनिंग में जुड़ते हैं, एक साल तक मैं उनको फ्री ऑफ एनी एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब उसका कोई मैं पैसा नहीं दे लेता, एक साल तक उनका पूरा प्रोजेक्ट मेरी निगरानी में होता है। एक साल के बाद भी हम मना नहीं करते, कोई अगर सपोर्ट चाहता है तो हम देते हैं। रमेश गेरा जी, जिन्होंने जो सैफ्रॉन की खेती है उसको एडवांस तौर पर डेवलप किया है और अपने ज्ञान को सीमित ना रख के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो सैफ्रॉन की खेती करें और केसर की खेती को बड़े स्केल में कर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, और लगातार वो अपना जो ट्रेनिंग का जो सेशन है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से सैफ्रॉन की खेती कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।